लाहौर के 3 मशहूर होटलों पर छापा, गंदगी और गलाजत के खौफनाक नजारे, ना हाथ धोने के लिए साबुन और ना ही साफ पानी मौजूद। सफाई और वाटर फिल्ट्रेशन का नाकिस इंतजाम, लाहौर का एक मुकद्दस तरीन और पाक मुकाम हजरत दाता अली हजवेरी का दरबार। दिन का कोई भी पहर हो, आपको दाता दरबार के अतराफ में जगह जगह लोगों में खाना तकसीम होता हुआ नजर आएगा। बिलाल बावर्ची को सिलेक्ट किया है कि इसका मेयार चेक किया जाए, ताकि आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे किस क्वालिटी की न्याज तैयार की जाती है। आइए देखते हैं। ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं और ना ही किसी हॉरर फिल्म का मंजर, ये तो बिलाल बावर्ची का मशहूर अड्डा है, जहाँ गरीबों और मोहताजों में बांटने के लिए खाने पकाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा घिनौना कारोबार जारी है जिसको देखकर आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे मुर्दा जानवर लाए जाते हैं, उनकी चर्बी से कुकिंग ऑयल बनाया जाता है, उसकी जो हड्डियां हैं उनको क्रश करके जेलेटिन बनाई जाती है, और मुख्तलिफ जो उसकी अंतड़ियां वगैरह हैं उसमें कीमे की फिलिंग करके सॉसेजेस तैयार की जाती हैं। अभी कुछ और हमें इंफॉर्मेशन मिली है, आपको वो दिखाते हैं। क्या हम दूध के धुले हैं कि टीम ने रिनाला खुर्द में एक ऐसी फैक्ट्री का सुराग लगाया जहां गाय भैंसों के बगैर ही रोजाना सैकड़ों लीटर दूध तैयार किया जाता है। ये लोग बगैर किसी गाय के, बगैर किसी भैंस के किस तरह दूध तैयार करते हैं, ये आपको हम अभी दिखाते हैं जी। दूध के नाम पर ये सफेद रंग का लिक्विड, जिसमें गंदगी के जर्रात भी साफ नजर आ रहे हैं, क्या नन्हे मुन्ने बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और मरीजों को पिलाया जाएगा? इस वक्त हम लाहौर के एक और बड़े नाम फजल स्वीट्स के कारखाने में मौजूद हैं। इस बड़े नाम के छोटे छोटे काम क्या हैं? ये हमें पता चला फजल स्वीट्स के प्रोडक्शन एरिया में जाकर, जहां गंदगी और मक्खियों की फौज को नजरअंदाज करते हुए धड़ाधड़ उसी गंदी जगह पर रंग रंग की मिठाइयां बनाई जा रही। नाज़रीन, हम इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हैं। यहां पर एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल की जो इन्फेक्शस प्लास्टिक वेस्ट है वो क्रश की जाती हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनसे उतरी हुई ड्रिप्स हैं। जब ये प्रोसेस होंगी, इससे अगर फीडर बनेंगे, इससे निपले बनेंगी या इससे बर्तन बनेंगे, कितनी बीमारियां आगे दूसरों को मुंतकिल कर रहे होंगे। इसको देखकर मुझे आज अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान में जो नौजायदा बच्चे हैं उनकी शरह अमवात कितनी ज्यादा क्यों है। क्या हम दूध के धुले हैं ने इस हफ्ते रेड की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के स्पेशल प्राइस कंट्रोल स्क्वाड के साथ शहर के बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पर, जहां मुख्तलिफ अशिया की कीमतें चेक की और ये साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर है। नहीं, कैमरा नहीं बंद होंगे? ना नहीं, कैमरा ऑफ, कैमरा नहीं। आपको समझ नहीं आ रही? पहले भी आपको रोका, नहीं समझ आ रही आपको? ठीक है, क्यों नहीं आ रही आपको? इनकी इंतजामिया को वहां बुला के हम सैंपल दिखाएंगे कि किस सैंपल का, किस चीज का हमने क्या रेट फिक्स, किस क्वालिटी पे किया है। ये जो तंग सी एक गली नजर आ रही है, हमें इतला मिली है कि एक शख्स नशे के इंजेक्शन लगाता है।
बेड है जिस पे मरीजों का इलाज किया जाता है। इसका जो गलत इस्तेमाल है वो जो नशे के लोग आदि हो जाते हैं तो ये इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक रिहायशी इलाके में एक और मैटरनिटी क्लिनिक है जिसे बाकायदा जिना वेलफेयर हॉस्पिटल का नाम दिया गया है। अगस्त 2010 में ये दवाई एक्सपायर हो गई। अब हम इसको सील करेंगे और इसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज। इस सारी फैक्ट्री में हमें टमाटर का निशान तक नहीं मिला मां सिवाय टमाटर की इन तस्वीरों के। कूड़े के ढेर से इकट्ठी की जाती है, पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई जाती है। कितने ज्यादा ब्रांड यहां पे ही तैयार किए जा रहे हैं। अगर कोई जमीर फरोश शख्स आपके मासूम बच्चे को इस तरह की कैचअप में बर्गर रख कर दे तो क्या आप उसे इजाजत देंगे कि वो ये खा ले। आज हम एक और बड़े नाम मालमो स्वीट्स के कारखाने के बाहर मौजूद हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं। फैक्ट्री में दाखिल होते ही हर तरफ बिकी हुई चीजों ने हमारा इस्तकबाल किया। ना हाथों में ग्लव्स, ना सर पर हेयर कैप। बड़े बड़े कड़ाहों में तैयार की गई किस्म किस्म की मिठाइयाँ बेयारों मददगार खुली पड़ी हैं। ये प्रोडक्शन एरिया है, सफाई से कतई नाशना, सलीके से कोसों दूर। इसी गंदी जगह पर कहीं दूध उबाला जा रहा है तो कहीं गरम गरम तेल में तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं। फर्श पर बिखरे हुए पानी में ही गंदे बर्तन बिखरे पड़े हैं। इसी गंदी जगह पर इन बर्तनों को धोया जाएगा। क्या कानून का मजाक उड़ाने वाले ये लोग मुजरिम नहीं? क्या ये सजा के मुस्तहिक नहीं? एटीवी टीम और पंजाब फूड अथॉरिटी एक कदम और आगे। मशहूर रेस्टोरेंट लाहौर चटखारा पर छापा। डीप फ्रीजर्स में न सिर्फ ये कि खाने की चीजों को मुनासिब तरीके से स्टोर नहीं किया गया बल्कि खराब, बासी और बची खुची अशिया को निहायत बेदर्दी से इसमें फेंक दिया गया है। सफाई से लातालुकी का ये आलम है कि गंदे बर्तनों को धोने का यहाँ कोई मुनासिब इंतजाम ही नहीं। अगली रेड के लिए हमारी टीम पहुँची एक नामी गिरामी रेस्टोरेंट पिज्जा हट पर। हैरत की बात है कि यहाँ काम करने वाले वर्कर्स के हाथों में ना तो ग्लव्स नजर आ रहे हैं और ना ही हेयर कैप। इतने बड़े रेस्टोरेंट में पानी का फिल्टर तो जरूर मौजूद है लेकिन शायद इस फिल्टर को बदलने की कभी भी जरूरत महसूस नहीं की गई। इस इलाके का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट नमक रेस्टोरेंट है जो कि अपने एक खास कल्चर और टेस्ट की वजह से पूरे लाहौर में मशहूर है। ये पता नहीं किस चीज की तय इन बर्तनों की में मौजूद है जो उसी तरह खाने का हिस्सा बन जाती है और इंतहाई मुजरे सेहत हो जाती है। अंदर बाहर का ये दोहरा मायार आखिर किस लिए? अगर रेस्टोरेंट के सिटिंग एरिया जैसी सफाई प्रोडक्शन एरिया में भी हो जाए तो क्या मुजायका है? सिर्फ थोड़े से एहसास, थोड़ी सी एहतियात और जरा से ख्याल की बात, लेकिन इनकी लापरवाही और बेहिसी की तो कोई इंतहा ही नहीं। मिठाइयाँ अलामत हैं खुशी और त्योहार की, मोहब्बत के इजहार की, लेकिन मिठाइयाँ बनाने वाले बड़े बड़े नामों की क्या हकीकत है और क्या है इनकी असलियत? आज हम उसकी फैक्ट्री में मौजूद हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान, नाम भी निराला, काम भी निराला। कोई भी गंदा काम करता है या बुरा काम करता है उसको थोड़ा सा मुआशरे के आगे लाएंगे तो पता चलेगा। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हमें बिल्ली का फुजला भी नजर आ रहा है। जैसे ही ये लकड़ी के तख्ते उतारे गए हैं तो नीचे एक बहुत बड़ा टैंकर मौजूद है
जिसमें हजारों टन कुकिंग ऑयल अंदर जखीरा किया गया है, खुला कुकिंग ऑयल। नाजरीन, इस वक्त हम रफीक स्वीट के कारखाने में मौजूद हैं। यहाँ पे किन हालात में मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये साबन नुमा कोई चीज पेस्ट की हुई है, हाथ धोने का इंतजाम शायद ये है। उमर, ये क्या चीज़ है? मोहसिन साहब, ये जो है ये वाटर, इसको ये इकट्ठा करते हैं यहाँ पे, इसे हैंड वॉशिंग भी करते हैं और डिफरेंट यूटेंसिल्स जो है उसकी वॉशिंग के लिए भी करते हैं यूज़। ना 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 ना, ठीक है, चलो यार बाहर निकलो। यहाँ तो बाकायदा बदमाशी शुरू हो गई। कैमरे को बंद करवाते करवाते हमारे कैमरा मैन ही को धक्के मारने शुरू कर दिए। ये वो वाली रोटियां हैं जिनसे समोसा पट्टी तैयार की जाती है, वो बिल्कुल उस गुजरगाह के सेंटर में नीचे गंदे फर्श पर मौजूद है। ये वो एरिया जहाँ पे उन रोटियों के पेड़े किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ तरह की इनकी कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ साइजेज हैं। वो वायरस जो चूहे यहाँ फर्श पे लेके आते हैं, उसी तरह उनके ऊपर ये रोटियां रख दी जाती हैं। या चोरियां शुरू कर दें या डकैतियां करें, क्या करें? इस वक्त हम मशहूर जमाना सरदार मछली वालों के गोदाम में मौजूद हैं। वर्कर जो काम कर रहे हैं उन्होंने जूतियां पहनी हुई हैं और उन्हीं जूतों समेत यहां पे मछली की सफाई कर रहे हैं। अगर आप फ्रीजर की हालत देख लें, हर चीज चीख चीख कर कह रही है कि कभी इसको साफ नहीं किया गया। ड्रम मौजूद हैं, ये उस कुकिंग ऑयल के हैं जिसमें मछली फ्राई की जाती है। कीचड़ से लथपथ इस गंदे फर्श पर कच्ची मछली के इस ढेर को देखकर कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये वेस्ट का सामान है? ऐसा हरगिज नहीं है जनाब, यही तो वो मशहूर जमाना मछली है जिसे खाने के लिए आप दूर दूर से यहाँ आते हैं। चल भी ड्राइवर बैठ। उधर जाओ, दो दिन उधर चढ़ बुआ खोलो, थोड़ा कदे थोड़ा हाथ बनो। टैंकर है, इसमें डीजल की आड़ में शराब सप्लाई की जाती है। लाहौर में इतनी बड़ी शराब आज तक पकड़ी नहीं गई है। कमजोर दिल लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहे ये प्रोग्राम ना ही। ये जो गलाजत का ढेर मौजूद है, ये उन अंतड़ियों का है जो मुर्दा जानवरों से हासिल की गई हैं। जो अंतड़ियां हैं उससे सॉसेजेस और हॉट डॉग्स बनाए जा रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ आकर तो हकीकी मानों में इंसानियत भी शर्मा जाती है। बड़े से बड़े दरिंदा सिर्फ इंसान का दिल भी दहल जाता है। नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स पर एटीवी टीम का क्रैक डाउन जारी, जहां सेहत के नाम पर बिकती है बीमारी। वर्कर्स के वॉशरूम में ना साबुन मौजूद और ना ही सफाई का बेहतर इंतजाम। नहीं, मेंशन ऊपर एम्प्लॉयज का कुछ भी नहीं किया हुआ। नहीं, वो देखो तो फिर आप उधर कैसे ले गया हमें? झूठ और फरेब के चमकते दमकते कारोबार, क्या है इनका ईमान और क्या है इनका किरदार? ये वो चेन है जो अमेरिकन फ्रेंचाइज है,
मशहूर मल्टीनेशनल फूड चेन सबवे, क्या है असलियत? क्या आप जानना चाहेंगे सच्चाई और हकीकत? तो देख इस बार शेख जायद हॉस्पिटल की कैंटीन का विजिट किया, लेकिन इस विजिट में टीम को सामना करना पड़ा अजीब तरह की रुकावटों का। गंदी कड़ाहियां, झाड़ू, गंदगी, बेतरतीबी, क्या ये एक हॉस्पिटल की कैंटीन है? मरीजों और उनकी तीमारदारी के लिए आए हुए अजीजो अकारिब के लिए क्या इन हालात में यहाँ खाना बनाया जाता है? जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हंगामा राइज जिस तरह शुरू कर दी है वो भी आपके सामने है। हम इस वक्त बहरिया टाउन में मौजूद यम्मी 36 रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद, जहाँ पे आप देखें कि हर चीज बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, लेकिन अगर इनके किचन में जाकर देखें तो बिल्कुल इससे मुतजाद है। इसी मेन प्रोडक्शन एरिया में मेन किचन के अंदर ये वॉशरूम मौजूद है। जरा आप कीमा बनाने वाली मशीन की हालत देखिए, ऑयल की आप क्वालिटी भी देख लीजिए। इससे बेहतर है कि ये किसी मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें। इस मशहूर जमाना रेस्टोरेंट को फील किया जा रहा है।